गन्नौर पुलिस प्रशासन ने शनिवार को पुलिस प्रेजेंस डे मनाया। शहर में जगह जगह पुलिस नाके लगे होने के साथ पुलिस राइडर्स घूमते हुए नजर आए। गन्नौर शहर थाना प्रभारी वजीर सिंह रेडू ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजी के आदेशानुसार पुलिस प्रेजेंस डे मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है पुलिस और पब्लिक के बीच मित्रता जैसा संबंध कायम हो, दोनों के आपसी में बेहतर संबंध व समन्वय से अपराध में कमी आ सकती है। हमारा जो है डीजीपी साहब ने एसपी साहब ने एक पुलिस लाइजनिंग का बनाया, आम पब्लिक के साथ में अच्छा व्यवहार और एक दूसरे के प्रति सद्भावना और मुलाकात हो सके, ताकि वो अपने विचार स्वेच्छा से बिना डर उसको बता सके, उसकी प्रॉब्लम दूर हो सके। इसलिए हमने पुलिस ने आज सभी जगह पुलिस जाएंगे, पता करेंगे उनकी क्या समस्या है और हम भी देखेंगे कि भाई शहर में कोई ऐसी अव्यवस्था तो नहीं है, जिससे अव्यवस्था हो और ये हमारे को डर के मारे हमारे को ना बताते हों, उसकी प्रॉब्लम को समाधान हो सके। दुकानदारों की तरफ से हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। कुछ ऐसा था कि जैसे भीड़ वगैरह रहती थी, उनको बोल देते हैं और वो समझ जाते हैं हमारी बातों को। जैसे 2-3 फुट है, तब तो अभी मौसम आया हुआ, त्योहारों का सीजन आया है, तो ख़रीदारी में लोग काफ़ी भीड़ भड़ाका होता है, उस भीड़ भड़ाके में अभी सभी व्हीकल लेकर आते हैं, उनको भी हमने समझा दिया है यदि आपकी दुकान पर व्हीकल लेकर आता है तो उसको बोल दो थोड़ा साइड में खड़ी करें, ताकि जो है ना दूसरे आने जाने वाले व्यक्तियों को इसकी परेशानी ना हो। सीजन में हम ऐसे ही हमने जो ये पुलिस की तरफ से अभी जो अभियान चलाया हुआ है फुट पेट्रोलिंग, इसका मतलब तो यही है कि यदि हमारे कोई समस्या इनको दिखाई देती है समस्या, उसका समाधान तुरंत उसके मौके पर कर देते हैं। भीड़ भड़ाका ना हो, अव्यवस्था ना फैले और किसी प्रकार के आवारा लड़के हैं वो यदि लगता हमारे को तुरंत जो है उसके प्रति कार्रवाई करना, ये हमारा ध्येय है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।